खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं और जो ना शुभ हो ना मंगल वो करती हैं सावधान। शुभ बताने, मंगल दिखाने और सावधान करने, आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। कहावत है कि चोर चोरी से जाता है लेकिन हेरा फेरी से नहीं। ऐसा लगता है कि शायद ये कहावत चीन के लिए ही बन गई है, क्योंकि चालबाज चीन ने भले ही अपनी विस्तारवादी नीति को विराम दे दिया है लेकिन चीन अपनी जासूसी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। अमेरिका के बाद बलून जासूसी का नया मामला कनाडा से सामने आया है। कनाडा में भी चीन की जासूसी गुब्बारा देखा गया है जिसे अमेरिकी फाइटर जेट्स ने मार गिरा। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने ट्वीट करके खुद इसकी पुष्टि की है। अब जासूसी गुब्बारे के मलबे की जांच की जा रही है और चीन के नापाक इरादों से जल्द ही पर्दा उठने वाला है। अमेरिका के बाद अब कनाडा के आसमान में चीन का चोरी वाला स्पाई बलून देखा गया, जिसे अमेरिका ने पहले की ही तरह इसे भी अपने फाइटर जेट F-22 के जरिए मार गिराया। ये पिछले एक हफ्ते में गिराया गया चौथा स्पाई बलून है। अब इसके मलबे की तलाश की जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बॉर्डर पर दिखे इस जासूसी गुब्बारे को मार गिराने का आदेश दिया था। इसके बाद अमेरिकी फाइटर जेट ने चीन के नापाक इरादों की हवा निकाल दी। घटना की जानकारी खुद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने ट्वीट कर दी। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि कनाडा के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन करते हुए एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट आसमान में नजर आया। उत्तर अमेरिकी एयरोस्पेस डिफेंस कमांड के अमेरिकी F-22 फाइटर जेट ने उसे मार गिराया। पिछले कुछ दिनों में अमेरिका ने 4 स्पाई बलून्स मार गिराए हैं। अमेरिका का कहना है कि ये स्पाई बलून्स चीन के हैं और चीन इसको सर्वेलेंस के लिए लगातार इस्तेमाल करे आ रहा है। अमेरिका की एक रिपोर्ट में ऐसा भी कहा गया कि इस तरह के स्पाई बलून्स सिर्फ यहां पर नहीं बल्कि दुनिया के और देशों में भी देखे गए हैं और इसमें कुछ साउथ एशियन देश भी हैं। हालांकि भारत का जिक्र इस रिपोर्ट में नहीं है, लेकिन पिछले साल जनवरी में अंडमान निकोबार आइलैंड्स में भी एक इस तरह का स्पाई बलून नजर आया था। पिछले कुछ दिनों में अमेरिका ने 4 स्पाई बलून्स मार गिराए हैं। अंडमान निकोबार में भी एक इस तरह का स्पाई बलून दिखा था। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ये ऑब्जेक्ट उत्तर पश्चिमी कनाडा के यूकोन में देखा गया। प्रधानमंत्री ट्रूडो का आदेश मिलने के बाद अमेरिका के F-22 ने उस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को मार गिराया। ये फाइटर जेट नॉर्थ अमेरिकन एयरोस्पेस डिफेंस कमांड का था। ये अमेरिका और कनाडा की ज्वाइंट कमांड है। अमेरिका और कनाडा के आसमान में पिछले एक हफ्ते के अंदर चीन के जासूसी के 4 गुब्बारे देखे जा चुके हैं। हालांकि चीन की साजिश को नाकाम करते हुए 4 स्पाई बलून को गिराया जा चुका है। अमेरिकी सांसद ने भी ट्वीट कर इस घटना की जानकारी दी है। रिपब्लिकन पार्टी की सांसद एलिजा स्लॉटकिन ने ट्वीट कर कहा, चीनी स्पाई बलून अमेरिकी वायुसेना और नेशनल गार्ड के पायलट ने मार गिराया है। इस मिशन को अंजाम देने वाले सैनिकों ने शानदार काम किया। हमें अब ये जानने की उत्सुकता है कि जिस स्पाई बलून को शूट किया गया है उसका उद्देश्य क्या था। ये जो बलून लॉन्च किए गए हैं, पहली बात ये कौन से देश ने लॉन्च किए? चाइना ने, क्योंकि उसने रिग्रेट माना है। और ये जो टेरिटोरियल स्पेस कनाडा की है और अमेरिका की, उसके ऊपर ये 4 ऑब्जेक्ट शूट आउट किए हैं। पहला तो कंफर्म बलून था, जहां तक बाकी 3 है उसका भी शायद असेसमेंट यही है कि वो चाइनीज बलून्स थे। चाइना का ये बोलना कि ये तापमान के लिए थे वो बिल्कुल गलत है, और ये अमेरिका ने भी कंफर्म किया है कि इनका साइज देखते हुए और इनके ऊपर जो इक्विपमेंट लगा था ये कम्युनिकेशन मॉनिटरिंग के लिए थे, और साथ ही ये सर्वेलेंस और फोटोग्राफी मॉनिटरिंग के लिए थे, जो कॉन्स्टेंट वो एक जगह के वो फोटोग्राफ्स लाइव इमेजेस भेज रहा होगा, क्योंकि ये बलून एक ही जगह पे होवर करता है। चीन की जासूसी की हवा निकालने के बाद कनाडा की सेना अब स्पाई बलून के मलबे की जांच कर ड्रैगन के राज का पर्दाफाश करेगी। बता दें कि ठीक एक दिन पहले ही अमेरिका के आसमान में एक जासूसी गुब्बारा देखा गया था जिसे अमेरिका के फाइटर जेट ने मार गिराया था। अमेरिकी अधिकारियों ने बताया था कि यह स्पाई बलून एक छोटी कार के बराबर था। वहीं अब कनाडा और लैटिन अमेरिका के एयर स्पेस में भी चीनी जासूसी गुब्बारे को देखा गया, जिसके बाद वहां हड़कंप मच गया। अमेरिकी राज्य मोंटाना के आसमान में देखे गए बलून का आकार 3 बसों के बराबर था।
जिस मोंटाना क्षेत्र में चीन का जासूसी गुब्बारा उड़ रहा था वहां पर अमेरिका का एक न्यूक्लियर मिसाइल का जखीरा है। अमेरिकी सेना को शक था कि वो जासूसी गुब्बारा उन संवेदनशील इलाकों की ओर से गुजरेगा और कई जरूरी जानकारी चीन तक पहुंचाएगा। इसके बाद अमेरिकी सेना हरकत में आई और चीन के जासूसी गुब्बारे पर नजर रखने लगी, लेकिन उस गुब्बारे का आकार काफी बड़ा था और मलबा नीचे गिरने का भी डर था, इसीलिए इसे गिराने का फैसला बड़ी समझबूझ के बाद किया गया। अमेरिकी सैन्य अधिकारियों के अनुसार चीन का स्पाई बलून जमीन से 20,000 फीट ऊपर उड़ रहा था, इसीलिए ये सिविल एविएशन के लिए खतरा बन सकता था और कमर्शियल फ्लाइट्स को खतरा था। वहीं इसके आबादी के ऊपर गिरने की आशंका भी थी, इसीलिए इसे मार गिराया गया। इधर अमेरिका भी अपने एयर स्पेस पे काफी ध्यान रखेगा कि अभी उसको कोई भी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट पे शक हुआ तो अभी उसको वो डाउन करेगा, और भारत को भी अभी इस पे सतर्क होना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि स्पेस इंटेलिजेंस अभी बहुत इम्पोर्टेंट चीज हो गई है मिलिट्री वॉरफेयर डोमेन में, और हमको भी सतर्क रहना पड़ेगा। और चाइना हमारे जैसे देश पे खूब कोशिश करेगा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल अंडमान निकोबार आइलैंड्स वगैरह में। बता दें कि अमेरिका में पहले भी इसी तरह के दो और कनाडा के एक स्पाई बलून देखे गए थे। अमेरिका में राष्ट्रपति जो बाइडेन और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इन्हें मार गिराने के आदेश दिए थे। इसके बाद अमेरिकी एयरफोर्स के फाइटर जेट्स ने हवा में ही चीनी जासूसी गुब्बारे को मार गिराया। हालांकि इस तरह की घटना चीन में भी हुई, वहां भी रविवार को क्विंगदाओ शहर के समुद्री इलाके के ऊपर इसी तरह के स्पाई बलून देखे गए। चीन ने अमेरिका पर बरसते हुए कहा कि साल 2022 की शुरुआत से लेकर अब तक चीन के आसमान में सुपर पावर के स्पाई बलून करीब 10 बार देखे गए हैं। अमेरिका के मोंटाना शहर में 2 फरवरी को चीनी स्पाई बलून नजर आया था। यहां एयरफोर्स का स्पेशल बेस है जहां से इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल ऑपरेट की जाती है। बता दें कि 5 फरवरी को अमेरिकी वायुसेना ने कैरोलिना तट के पास F-22 फाइटर जेट से इस स्पाई बलून को मार गिराया था। घटना के बाद अमेरिका और चीन में तनाव बहुत तेजी से बढ़ा। चीन ने अमेरिका के इस एक्शन पर कड़ी नाराजगी जताई थी। चाइना ने धमकी पहले भी दी थी नैन्सी पेलोसी जब ताइवान में लैंड करेगी कि हम लैंड करने ही नहीं देंगे, और पूरे विश्व को शायद लग रहा था कि वो उनके फाइटर एयरक्राफ्ट नैन्सी पेलोसी के एयरक्राफ्ट को डाउन करने कर देंगे, लेकिन लैंड की और उसके बाद इतने अमेरिकन वहां लैंड किए। तो चाइना की जो धमकी है और ऑन ग्राउंड, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। हमने भी देखा है अपने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में कि चाइना बोलता कुछ है करता कुछ है, तो ये सिर्फ धमकी ही है, लेकिन अब चाइना मेरे ख्याल सतर्क हो जाएगा। वो अभी ये बलून्स वगैरह अमेरिकन एयर स्पेस पे लॉन्च करने से पहले 10 बार सोचेगा। चीन ने दावा किया था कि ये एक सिविलियन गुब्बारा है जिसका इस्तेमाल मौसम की जानकारी जुटाने के लिए किया जाता है, लेकिन रक्षा जानकारों का मानना है कि चीन ने इस गुब्बारे के जरिए संदेश दिया है कि वो अमेरिका के अंदर तक घुसकर जासूसी कर सकता है। चीन दिखाना चाहता है कि वो अमेरिका से पीछे नहीं है, और इससे चीन में राष्ट्रपति जिनपिंग की साख जनता के बीच बढ़ेगी। दिल्ली से अभिषेक भल्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वैसे तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपने देश को सुपर पावर बनाने का ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन भारत के हाथों पहले लद्दाख और फिर अरुणाचल प्रदेश के तवांग में धूल चाटने के बाद जिनपिंग का चेहरा पीला पड़ गया है। चीन को यह अंदाजा भी नहीं था कि भारत इतनी तेजी से चीन के सैनिकों पर हमला करके उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर कर देगा, और इसीलिए भारत से डरा चीन अब जासूसी के जरिए टोह लेने की कोशिश कर रहा है। पिछले वर्ष चीन ने भारत के संयुक्त सैन्य अभ्यास की जानकारी जुटाने की नापाक कोशिश की, लेकिन शायद चीन ये भूल गया कि कागजों पर जुटाई जानकारी और कागजी सेना से जंग नहीं जीती जाती। अमेरिका और कनाडा ने ड्रैगन की जासूसी वाले गुब्बारे को हवा से जमीन पर गिराकर जिनपिंग के गुरूर को ऐसा तोड़ा कि उनकी विस्तारवादी नीति का दिवाला निकल गया। हालांकि चीन की ये चोरी अमेरिका और कनाडा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि भारत में भी चीन ने अपने नापाक इरादों को अंजाम देने के लिए स्पाई बलून को भारत भेजा था, वो भी तब जब भारतीय सेना के तीनों विंग एक साथ सैन्य अभ्यास कर रहे थे। बता दें ऐसे ही संदिग्ध जासूसी गुब्बारे को अमेरिका और कनाडा ने मार गिराया है, और ये दावा किया जा रहा है कि स्पाई बलून
चीन ने जासूसी के लिए भेजा था। अमेरिका के कई मीडिया रिपोर्ट्स में तो ये भी दावा किया गया कि दिसंबर 2021 से लेकर जनवरी 2020 के दरमियान चीन के स्पाई बलून ने भारत के सैन्य बेस की जासूसी की थी। इस दौरान चीन के जासूसी गुब्बारे ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर के ऊपर से उड़ान भरी थी। उस दौरान सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीर भी वायरल हुई थी। खास बात यह है कि ये स्पाई बलून तब नजर आया था जब भारत के अंडमान निकोबार आइलैंड्स में एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज खत्म हुई थी। आपको बता दें कि अंडमान निकोबार आइलैंड्स भारत की एक ट्राई सर्विस कमांड है, यानी कि यहाँ पे आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों सेनाएं एक साथ काम करती हैं, और ये जो एक्सरसाइज भी हुई थी यहाँ पर भी तीनों सेनाएं एक साथ काम कर रही थीं। इसका साफ मतलब है कि इस तरह के स्पाई बलून्स बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं, और अगर इन्हें चीन इस्तेमाल कर रहा है तो वो काफी हद तक हर गतिविधि पे नजर बना सकता है। ये स्पाई बलून्स 60,000 फीट पर काम करते हैं और इसलिए इनको डिटेक्ट करना काफी मुश्किल है। चिंता की बात ये है कि दिसंबर 2021 के आखिरी हफ्ते में भारतीय सेना की तीनों विंग यानी थल सेना, वायु सेना और नेवी के जवान अंडमान निकोबार में एक साथ ड्रिल करने के लिए जुटे थे। इसी सैन्य अभ्यास के दौरान चीन के जासूसी गुब्बारे को अंडमान निकोबार में देखा गया। उस वक्त भारत सरकार की तरफ से इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया था और ये भी खुलासा नहीं हो सका था कि ये गुब्बारा किसका था। हालांकि तब भी चीन पर ही शक जताया गया, लेकिन जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी वो काफी हद तक अमेरिका में मिले चीन के जासूसी गुब्बारे की तरह थे। गुब्बारे के जरिए दोनों देशों पर निगरानी रखने का काम चीन के दक्षिण तट से दूर हनान प्रांत से संचालित होता है। इसके जरिए चीन ने जापान, भारत, वियतनाम, ताइवान और फिलीपींस समेत कई देशों और क्षेत्रों की जासूसी की है, और चीन अपने स्पाई बलून के जरिए सैन्य जानकारियां जुटाता है। ये रिपोर्ट ऐसे समय आई जब अमेरिका और कनाडाई सेना ने चीनी स्पाई बलून को मार गिराया। चीन का साल 2018 का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ड्रैगन की सेना बेहद ऊंचाई पर उड़ने वाले गुब्बारे की मदद से हाइपरसोनिक मिसाइल दाग रही है, और माना जा रहा है कि चीन की ये तकनीक पूरी दुनिया के लिए बड़ा खतरा बन सकती है। और देखिए, जहां तक ये अंडमान निकोबार आइलैंड्स के ऊपर एक बलून देखा गया है पिछले साल, अब ये कितना क्रेडिबल रिपोर्ट है वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन समझने वाली बात यह है कि इतना हर देश को पता है, खासकर अमेरिका, हिंदुस्तान, क्योंकि हमारा देश और चाइना के बीच में अभी बहुत बड़ी टक्कर है, वो दुश्मन देश है वो हमारे लिए, तो जाहिर है कि वो भी और हम भी पूरी कोशिश करेंगे हर तरह से स्पाई नेटवर्क ऑपरेशंस करने का और साथ ही सर्वेलेंस हर तरीके से करने का। और जैसे मैंने पहले भी बताया, स्पेस पे, ग्राउंड पे और अंडर वाटर सर्वेलेंस अभी बहुत जरूरी है। वहीं रक्षा मामलों की चर्चित वेबसाइट द ड्राइव की रिपोर्ट के अनुसार चीन बेहद तेजी से अपने हाइपरसोनिक मिसाइल कार्यक्रम को बढ़ा रहा है। अब ताजा वीडियो में दिख रहा है कि चीन बेहद ऊंचाई पर उड़ने वाले गुब्बारे की मदद से हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल के आकार के पेलोड को गिराने का अभ्यास कर रहा है, और इस आकार का पेलोड चीन के हाइपरसोनिक मिसाइल से मिलता जुलता है। चीन इस तरह के हाइपरसोनिक मिसाइलों को बनाने पर लंबे समय से दरअसल काम कर रहा है। वहीं चीन अपनी सेना से जुड़े किसी हथियार या प्रोजेक्ट पर मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है। मतलब चीन दुनिया को वही दिखाता है जिसे वो खुद दिखाना चाहता है, और अभी ये पता नहीं चला है कि चीन ने इस वीडियो को असल में कहां बनाया। चीन के पास अभी WU-14 हाइपरसोनिक बूस्ट ग्लाइड व्हीकल है जिसका वो तेजी से विकास कर रहा है। रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में हाइपरसोनिक हथियारों को लेकर एक बड़ी रेस चल रही है। इसमें अमेरिका, रूस और चीन तीनों ही ध्वनि की गति से 5 गुना से ज्यादा रफ्तार की मिसाइलें बनाना चाहते हैं। तो हिंदुस्तान को इससे सबक लेना चाहिए। दो, पहला, हमको भी अपने सर्वेलेंस एक्टिविटीज स्पेस डोमेन में और अंडर वाटर बढ़ानी चाहिए, और दूसरा ये भी सतर्क रहना पड़ेगा, हमारी जो रडार कैपेबिलिटीज है और एयरक्राफ्ट कैपेबिलिटीज, खासकर एक्सट्रीम हाई एल्टीट्यूड में जो स्ट्रेटोस्फीयर है तकरीबन 60,000 फीट वगैरह की हाइट पे,
ये चाइना के बलून लॉन्च हो सकते हैं, खासकर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में और इंडियन ओशन में, जिसमें अंडमान निकोबार आइलैंड शामिल है। तो हमारा अभी सर्वेलेंस एक्टिविटीज बढ़नी पड़ेगी, काउंटर मेजर्स हमको सोचना पड़ेगा, और मेरे ख्याल हमें इंटेलिजेंस की ज्वाइंट शेयरिंग अमेरिका के साथ करनी पड़ेगी, क्योंकि ये अमेरिका ने ही डिटेक्ट किए हैं ये बलून। पिछले दिनों दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने 2 लोगों को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया था और दोनों चीनी नागरिक हैं जो यहां नौकरी के बहाने आए थे, लेकिन पुलिस की पूछताछ में खुलासा हुआ है कि वो भारत की संवेदनशील जानकारियां चीन भेज रहे थे। हालांकि दोनों आरोपी काफी समय से भारतीय खुफिया एजेंसियों के रडार पर थे। अभिषेक भल्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चीन पर अपनी इज्जत बचाने का इतना दबाव है कि वो हर हथकंडा आजमाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका को मात देने के लिए चीन ने ताइवान पर आंखें लाल की, लेकिन अमेरिका की कड़ी चेतावनी के बाद चीन को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा और इसीलिए चीन अब खुफिया तरीके का इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि गुब्बारे से जासूसी का ये मामला कोई पहला मामला नहीं है, स्पाई बलून से जासूसी कराने का इतिहास काफी पुराना रहा है। We don't have a high fidelity OI at 6,000. Chuo-1 will just marshal in 100 crew left. Frank 1, black 1. जासूसी गुब्बारे को लेकर अमेरिका और चीन के बीच तलवारें खिंच गई हैं। रविवार को अमेरिका और कनाडा ने चीन के एक संदिग्ध जासूसी गुब्बारे को मार गिराया। सुपर पावर बनने का सपना देख रहे चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग अमेरिका की इस कार्रवाई से बौखला उठे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि सर्विलांस बलून या स्पाई बलून का जासूसी में एक लंबा इतिहास रहा है। सैटेलाइट के जमाने में भी इन गुब्बारों का इस्तेमाल किया जाता रहा है। इन स्पाई बलून के जरिए क्लोज रेंज यानी पास की निगरानी की जाती है। ऐसे में सवाल है कि चीन या जासूसी करने वाले देश स्पाई बलून का इस्तेमाल क्यों करते हैं। स्पाई बलून में जासूसी के लिए एडवांस कैमरे लगाए जाते हैं। इन गुब्बारों को जमीन से लॉन्च किया जा सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये किसी क्षेत्र का लंबे समय तक अध्ययन कर सकता है। जमीन से इनकी निगरानी करना बेहद मुश्किल होता है। ये जमीन से काफी ऊंचाई पर उड़ सकते हैं, इसीलिए इनका इस्तेमाल मौसम से जुड़ी जानकारी जुटाने के लिए किया जाता है। वहीं जासूसी के मामले में ये गुब्बारे सैटेलाइट से भी ज्यादा बेहतर साबित होते हैं, क्योंकि ये सैटेलाइट के मुकाबले ज्यादा आसानी से और ज्यादा देर तक किसी इलाके को स्कैन कर सकते हैं। तो हमारे पास डिटेक्शन कैपेबिलिटीज होनी चाहिए और ये जॉइंट शेयरिंग जब अमेरिका के साथ होंगे तो वो हमारी मदद करेंगे और हमारी भी खुद की इंडिजिनियस कैपेबिलिटीज होनी चाहिए कि इतनी हाइट पे भी हम काउंटर मेजर ले सके। पहली बात तो थ्रेट को डिसर्न करना है और अगर वो थ्रेट दिखती है तो उसको डिस्ट्रॉय करने का माध्यम हमारे पास होना चाहिए। तो ये जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स है, ये एक हमारे लिए आँख खुलने वाली घटना है और अब मेरे को लगता है कि इंडियन टेरिटोरियल वाटर्स पे, इंडियन टेरिटोरियल स्पेस के ऊपर कोई भी दुश्मन का फ्लाइंग ऑब्जेक्ट नजर आता है तो हमें सतर्क रह के उसको डिसर्न करके और बर्बाद करने की जरूरत है। हालांकि ये गुब्बारे लगभग उतनी ही ऊंचाई पर उड़ते हैं जितनी ऊंचाई पर फ्लाइट उड़ती हैं। आमतौर पर ये गुब्बारे लो ऑर्बिट वाले सैटेलाइट की तुलना में साफ फोटो ले सकते हैं। आमतौर पर जासूसी करने वाले गुब्बारे हवा के बहाव के साथ बहते हैं, लेकिन इनका नेविगेशन किसी तरह के फ्यूल इंजन से किया जा सकता है। हालांकि ये मौसम के रहमो करम से ही संचालित होते हैं, जबकि कई बार गाइडिंग यंत्र लगाए जाते हैं ताकि गुब्बारे की दिशा तय की जा सके। अमेरिकी प्रशासन ने दावा किया है कि चीन के गुब्बारे में प्रोपेलर लगे थे ताकि उसकी दिशा तय की जा सके। हालांकि कनाडा में गिराए गए गुब्बारे के मलबे की जांच चल रही है और पूरी सच्चाई जांच रिपोर्ट के आने के बाद ही पता चलेगी। देखिए, पहली बात ये चाइना का ये जो बैलून है इसका पर्पस है सर्वेलेंस स्पाई के लिए है, कोई डाउट नहीं है। अगर वो बोलते हैं कि ये वेदर या तापमान को देखने के लिए, बिल्कुल गलत है, सरासर झूठ है। और उनको क्या मकसद है इसको करने को, उनको अपनी टेरिटरी में देखना चाहिए। चाइना में इतने फ्लड्स और तूफान और क्या क्या नहीं आता है और उनके
जियो मैपिंग वहां की करनी चाहिए, तो पूरे विश्व की करने का तो कोई मतलब नहीं है, वो कवर अप है। 1800 के दशक में निगरानी गुब्बारे उपयोग में आए। फ्रांस ने 1859 में फ्रेंको ऑस्ट्रियाई युद्ध में निगरानी के लिए गुब्बारों का इस्तेमाल किया। 1861 से 1865 के बीच अमेरिकी नागरिक युद्ध के दौरान जल्द ही गुब्बारों का फिर से इस्तेमाल किया गया। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में जासूसी गुब्बारे ज्यादा आम हो गए। जापानी सेना ने अमेरिकी क्षेत्र में आग लगाने वाले बमों के लिए गुब्बारों का ही इस्तेमाल किया। किसी सैन्य ठिकाने को तो नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन ओरेगन के जंगल में एक गुब्बारे के दुर्घटनाग्रस्त होने से कई नागरिक मारे गए थे। द्वितीय विश्व युद्ध के ठीक बाद अमेरिकी सेना ने ज्यादा ऊंचाई वाले जासूसी गुब्बारों के उपयोग की खोज शुरू की। सरकारी दस्तावेजों के अनुसार 1950 के दशक में सोवियत ब्लॉक क्षेत्र में फोटोग्राफिक गुब्बारे उड़ाए गए थे। अभिषेक भल्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उम्मीद है आपका दिन शुभ रहा होगा। कल की मंगल कामना के साथ आपको रहना है सावधान भी। अभी के लिए मैं नवजोत रंधावा आपकी शुभ रात्रि की कामना करती हूँ।